आई एम सपोर्टिंग होल हार्टेडली, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया है। आई वॉन्ट स्वैपेबल बैटरी, कि आप पंप पे गए, उसने एक बैटरी खींच के निकाल ली और नई बैटरी प्री चार्ज हाथ के हाथ लगा दी। थोड़ी देर पहले मैंने टेस्ट ड्राइव करी टाटा की टिगोर, क्या गाड़ी यार, मज़ा आ गया। मतलब अमेजिंग कार, क्या स्मूथनेस है यार। मैं तो टाटा की गाड़ियों से इतना इम्प्रेस हो गया, इतनी अच्छी उनकी एनकैप रेटिंग है, इतनी सेफ गाड़ियां हैं, क्रैश टेस्ट में तक परफॉर्म कर रही है, वाओ बहुत बढ़िया, एकदम सॉलिड कार। और क्या स्मूथनेस है, मतलब आप उसमें बैठो। वैसे बाय द वे मैं आपको बता दूं, मेरे को ज़्यादा फिल्मिंग की तो इजाज़त नहीं मिली, सो ऐसे ही आपको काम चलाना पड़ेगा। सो माय रिस्पांस अबाउट टाटा नेक्सॉन ईवी इज़ फैंटास्टिक, क्या स्मूथनेस है गाड़ी में। यू सिट इन द कार, यू आप गाड़ी को ऑन करते हैं एंड दैट्स इट, टिंग टुंग होता है, स्मूथनेस, साइलेंस। इसको साइलेंस पसंद है, आई थिंक इससे ज़्यादा साइलेंट इंजन नहीं हो सकता, क्योंकि इंजन ही नहीं होता ठीक। एंड उसके बाद जब आप गाड़ी को पुश करते हैं, हल्का सा एक्सेलरेट करते हैं, अमेजिंग, वाओ। अब आई वोंट कॉल इट अ मर्सिडीज़ का N63 AMG, वो मैं कंपेयर नहीं करूँगा, लेकिन येस इट इज़ सर्टेनली समथिंग लाइक अ स्कोडा ऑक्टाविया RS, जैसे वो लेके भागती है ना, वो बड़े बड़े इंजन वाली 1.8 TSI वाली, ऐसे भागती है गोली की तरह। क्या स्मूथनेस है इंजन की, मोटर की। बट एंड आई यू नो, जब मैं चला रहा था, आई वो जिस हिसाब से वो भागती है, लगता है कि ये तो आसमान छू जाएगी, मतलब कि दिस इज़ गोइंग टू टच 200 और समथिंग, बट इट इज़ जस्ट एट 120 तक जाती है गाड़ी, 120 की स्पीड तक। Isn't it 120 too much? हमारी मारुति जैन भी जाया करती थी 120, एंड सी इवन दिस कार गोज टू 120, अमेजिंग, क्या बात है। फिर आती है जी बात स्मूथनेस की, साउंड की, पता ही नहीं लगता गाड़ी कितनी स्पीड पे है, क्या है, जस्ट द टायर नॉइस, दैट्स इट, विंड नॉइस। इतनी बढ़िया, इतनी स्मूथ चलती है गाड़ी, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। स्टीयरिंग पकड़ने में इतना अच्छा लगता है, इतनी भारी सी गाड़ी, एंड यू नो ड्राइविंग इट 120, वाओ। डू यू नो दिस कार ऑन अ सिंगल चार्ज दे क्लेम दैट इट गोज टू 306 किलोमीटर्स, बट नेवरदलेस दीज 306 किलोमीटर्स हैव टू बी डन समथिंग लाइक एन ई रिक्शा, हल्के हल्के, एकदम डरते डरते, यू नो, बहुत ही आराम आराम से। सो वॉट, क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है, कोई काम छोटा कोई काम बड़ा नहीं होता, सो वॉट। प्रैक्टिकली दिस कार ड्राइव्स फॉर 150 to 200 किलोमीटर्स, 150 से 200 किलोमीटर चल जाती है एक चार्ज में। इज़न्ट दैट अमेजिंग, अमेजिंग, मतलब आपने एक बार चार्ज करी और 150 किलोमीटर चलाई है विदाउट एनीथिंग फर्दर, है ना, कमाल की चीज़, बहुत बढ़िया। मतलब आई एम सुपर इम्प्रेस्ड कि 150-200 किलोमीटर चल जाती है ऑन सिंगल चार्ज, अमेजिंग। हाउएवर इफ आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, आई कैनॉट गो, आई कैनॉट, आई हैव टू स्टॉप इन सम इन द मिडल। मेरे को बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी, रास्ते में पहले पूछना पड़ेगा कहाँ चार्जर मिलेगा, एंड जहाँ चार्जर मिलेगा वहाँ मुझे रोक के गाड़ी चार्ज करनी पड़ेगी, एंड चार्जर वाले से पहले पूछना पड़ेगा पॉइंट से कि भैया चल रहा है चार्जर या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा हो, इमेजिन मैं चल दूँ उसके हिसाब से, देन वॉट। पता है इट टेक्स ओनली 14 आवर्स टू रिचार्ज, जस्ट 14 घंटे, मतलब सुबह आप रात को लगा के सो जाओ और सुबह को आपको गाड़ी चार्ज मिलेगी, फैंटास्टिक, अमेजिंग, और चलाओ 150 किलोमीटर, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, बहुत ही बढ़िया। एंड डू यू नो इट टेक्स जस्ट 1 आवर टू रिचार्ज ऑन अ फास्ट चार्जर। वैसे तो फास्ट चार्जर अभी कहीं दिखता नहीं है, बट आई एम श्योर विथ कमिंग टाइम्स वी विल गेट टू सी फास्ट चार्जर्स अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस एवरीवेयर, ठीक बात है।
सो अगर वो फास्ट चार्जर आपको मिल जाते हैं, मैं ऐसे ही एज्यूम करा था कि मैं 3 बजे शाम को निकलता हूँ घूमने फिरने और रास्ते में बैटरी डाउन हो जाती है फॉर सम रीजंस, जैसे कभी जैम में टक गए, कुछ हो गया। बाय द वे दिस कार टेक्स अ लॉट ऑफ बैटरी वाइल इट इज स्टैंडिंग। ये एक इसकी मुझे समस्या लगी कि अगर गाड़ी खड़ी और आपने एसी खोल रखा जैम में फंसे हुए, देन इट विल ड्रेन अ लॉट ऑफ बैटरी। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, नो प्रॉब्लम। अब जी अगर सपोज कीजिए मेरे को चार्जर मिल जाता है एंड इफ आई हैव टू व्हीकल्स अहेड ऑफ मी, एक गाड़ी चार्ज हो रही है उसके बीच में एक और है, फिर मेरा नंबर है, ठीक, तो क्या होगा? एक घंटा वो लगाएगी, एक घंटा मेरे से आगे वाली लगाएगी और एक घंटा मेरा लगेगा। ये थोड़ी बोलेंगे कि आप तुम हट जाओ, मेरा नंबर पहले है। तो यानी 3 बजे मैं आया तो इट इज़ जस्ट 6 o'clock, 6 बजे तक आई एम फ्री, तो 6 मतलब 3 बजे मैं आया, 6 बजे तक आई विल बी डन विद चार्जिंग। कितना बड़ा काम कर लूँगा तब तक मैं लैपटॉप लेके बैठ सकता हूँ वहाँ पे, या फिर मैं कुछ कहीं घूम आता हूँ जाके पैदल, यू नो, कुछ भी कर सकते हैं, सो मैनी ऑप्शंस, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत बढ़िया, आई एम सुपर इम्प्रेस्ड, बहुत ही बढ़िया। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इट इज़ जस्ट 12 लाख रुपीज़, नहीं 14 लाख रुपीज़, जो अच्छा मॉडल है, ठीक है, जस्ट 14 लाख रुपीज़। आजकल 14 लाख में आता ही क्या है, 14 लाख होते ही कितने, जस्ट 14 लाख रुपीज़, दैट्स इट। 14 लाख रुपीज़ में यू आर गेटिंग अ कार विच डज 120 की स्पीड, अमेजिंग, वाओ। एंड ये कहते हैं कि 8 साल की गाड़ी की बैटरी की गारंटी है, वारंटी जो भी, अमेजिंग, 8 साल, वाओ। बाय द वे हम उनमें से आते हैं जो कि गाड़ी को पूरा रखते हैं जब तक कि वो चल रही है। एनीवेज 8 साल, मतलब 8 साल तो बहुत होते हैं यार, 8 साल तक गारंटी है बैटरी की, लेकिन उसमें देयर इज अ कंडीशन। ऐसा नहीं कोई कहता है कि 8 साल में अगर शुरू में आपकी गाड़ी 150 किलोमीटर चलती है तो 8वें साल भी 150 किलोमीटर चलेगी, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। मैंने पूछा तो कहते हैं ऐसा नहीं है जी। और अगर सपोज कीजिए गाड़ी में कोई जिसका ग्राफ है वो, मतलब इट इज गोइंग टू गो डाउन बैटरी का, रेंज का, राइट, चार्जिंग टाइम विल कीप ऑन गोइंग अप एंड रेंज विल कीप ऑन गोइंग डाउन। नाउ इन दैट टाइम अगर कोई एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आता है, जैसे कि सपोजिंग रातों रात बैटरी ख़राब हो जाती है, कुछ होता है, ओनली देन इट विल बी कवर्ड इन गारंटी वारंटी। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 8वें साल के बाद भी द कार इज गोइंग टू गिव यू 150 किलोमीटर, ऐसा नहीं है। एंड मुझे पता चला कि कोई दिक्कत नहीं है, दिस कार इज ऑल्सो अ मेजर सपोर्टर ऑफ अ स्क्रैपिंग पॉलिसी। पता है कैसे? कि 8वें साल के बाद या 10वें साल के बाद, 9वें साल के बाद जब आपकी गाड़ी बिल्कुल अनयूजेबल हो जाती है एंड यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस रेंज एंड यू वांट टू बाय अनदर कार बिकॉज इट्स जस्ट 14 लाख रुपीज़, 14 लाख रुपये में आता ही क्या है, तो बहुत ही अच्छा है, लाइक यूज एंड थ्रो, इतनी सस्ती कार है। तो क्या है कि आप नई गाड़ी ले लीजिए, इसको थ्रो कर दीजिए, बिकॉज इसकी बैटरी रिप्लेस नहीं होती है। मतलब अगर मेरी बैटरी ख़राब हो गई, इट इज़ नॉट एन एक्साइड की बैटरी की निकाला बैटरी में से वहाँ से और नई बैटरी लगा दी, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। द बैटरी द सेल्स आर एम्बेडेड इन द फ्लोर, छोटे छोटे पेंसिल सेल होते हैं जो बच्चों के रिचार्जिंग वाले सेल आते हैं ना, टॉय वाले, काइंड ऑफ दैट। अब आप मेरे को डोंट कोट मी ऑन दिस, समथिंग लाइक दिस, वो लगे होते हैं एंड दे आर स्टैक्ड इन एन एरे। इनको निकालना इज इम्पॉसिबल। अब ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल तो होना चाहिए लेकिन फिलहाल नहीं है, पर हाँ बहुत बढ़िया है। अच्छा एक और मुझे बात बहुत अच्छी लगी इस गाड़ी में कि दिस कार मेक्स नो पॉल्यूशन, जीरो पॉल्यूशन, वाओ, सो एनवायरमेंटली गुड, एनवायरमेंटल फ्रेंडली जैसे बोलते हैं, अमेजिंग। वो बात अलग है कि हमारी देश की सारी बिजली, जितनी भी एनर्जी है, ये आज भी सारी अधिकतर कोयले से और पेट्रोलियम से आती है। जितने भी आप सोलर सेल लगा रहे हो, दैट इज़ नॉट इवन 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। तो ठीक है, आपने धुआं इस शहर में नहीं किया, किसी और शहर में कर लिया, सो व्हाट, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ ना, ठीक है, हमारे लिए तो एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो गया, देश के लिए चाहे कुछ भी हो। एक कहते हैं वैसे, ईवीज डोंट पॉल्यूट हेयर, दे पॉल्यूट एल्सवेयर। खैर चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दे आर सो एनवायरमेंटली फ्रेंडली, बहुत बढ़िया। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ,
कि अगर आप अपनी इन्वर्टर की बैटरी चार्ज करते हैं, आपके सपोजिंग 100 जूल्स यानी कि 100 वॉट तो पावर की होती है, 100 जूल्स अगर आपने लगाया एनर्जी इन रीचार्जिंग अ बैटरी, देन द बैटरी इज ओनली गोइंग टू कंज्यूम सम परसेंटेज ऑफ दैट, बिकॉज 100% एफिशिएंट कोई भी आज तक नहीं मिला. व्हेन एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, एनर्जी गेट्स लॉस्ट इन दैट कन्वर्जन. मेरे को बहुत ही अच्छा लगा. इट इज़ जस्ट 14 लाख रुपीज़ जस्ट. तो अगर सपोजिंग 10 साल बाद 9 साल बाद गाड़ी अगर सपोजिंग 2-3 लाख 1-2 लाख की बिक जाती है स्क्रैप में, जैसे कि उसका स्टेयरिंग, उसकी सीट वीट निकाल के बॉडी लोहा हुआ जो भी है निकल जाती है. इन्वर्टर की बैटरीज भी व्हेन यू सेल दे गो फॉर अ प्राइस. ठीक है, बेसिंग माय आर्गुमेंट ऑन दैट. तो से 10-12 लाख रुपए भी अगर लगते हैं तो साल के इट्स जस्ट 1.25 लाख रुपए यार, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, दैट्स इट. यानी कि महीने के 10-12 हज़ार रुपये ओनली, बस. मतलब इफ़ आई पे इन फुल, जैसे कि अगर मैंने पूरे कैश पेमेंट कर दिया, देन आई एम गोइंग टू लूज ओनली 10-12,000 रुपीज़ अ मंथ. एंड सी, फ्री में चल तो रही है, जस्ट 1 रुपीज़ अ किलोमीटर. मतलब कि इफ़ आई ड्राइव इट फॉर 80 किलोमीटर्स अ डे, ठीक है, क्योंकि डीजल तो आता है 6 रुपये किलोमीटर, एंड दिस ड्राइव्स एट 1 रुपीज़ अ किलोमीटर एट 300 की रेंज के हिसाब से. वो बात अलग है कि हम 150-200 एज्यूम कर रहे हैं तो कॉस्ट पर किलोमीटर गोज अप दैट वेज, बट ठीक है, चलिए हम तो 1 रुपया मान के चलते हैं. तो इफ इट इज 1 रुपीज़ अ किलोमीटर, देन द डिफरेंस इज 5 रुपीज़ अ किलोमीटर, राइट. नाउ इफ आई ड्राइव इट फॉर 80 to 100 किलोमीटर्स अ डे एवरी डे, तो जाके तो मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा. यानी कि जस्ट 80 किलोमीटर चलाने से माई कार विल गिव मी अ ब्रेक इवन. वाओ, अमेजिंग. यानी कि अगर मैं 80 किलोमीटर चलाता हूँ तो मेरे को डीजल से सस्ती नहीं पड़ेगी, महंगी पड़ सकती है. सो वॉट, कोई बात नहीं. अरे भाई, दिस कार, मतलब कि इफ़ आई ड्राइव 200 किलोमीटर चलाता हूँ इन अ डे, या 300 किलोमीटर चलाता हूँ इन अ डे, देन 300 - 80 इज, यानी कि 220 इज़ अ प्रॉफिट. वाओ, अमेजिंग, है ना. मैं तो बनिया हूँ, सब चीज़ें तोड़ लेता हूँ. अरे सबसे बढ़िया चीज़ गाड़ी की, ज़ीरो मेंटेनेंस बॉस, ज़ीरो मेंटेनेंस. कोई इंजन ऑयल चेंज करना है, कोई भी ल्यूब्रिकेंट नहीं डालना है इंजन में, कोई एयर फिल्टर नहीं है, कोई डीजल फिल्टर नहीं है, कोई पेट्रोल फिल्टर नहीं है, नथिंग, नो स्पार्क प्लग, नथिंग. थम्स अप फॉर दैट, बहुत ही बढ़िया. वो बात अलग है कि बैटरी को मेंटेनेंस चाहिए थोड़ी बहुत बीच बीच में, टाइम टू टाइम, बट दैट्स ओके. वो बहुत हल्की फुल्की सी है, सो इट्स अ मेजर मेजर प्लस. तो गाड़ी चलती बहुत बढ़िया है, स्मूथ है, 120 तक चली जाती है. 14 लाख रुपए की कार, जस्ट 14 लाख रुपए की कार 120 तक जाती है. यू नो, आई एम सो इम्प्रेस्ड. 150 किलोमीटर चलती है 14 लाख रुपए की कार. वाओ, आई कैन गो टू प्लेसेस. ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस कार इज एक्सेलेंट फॉर लोकल कम्यूट. लोकल में चलाने के लिए बहुत ही अच्छी कार है, प्रोवाइडेड आपको एक दिन में 150 किलोमीटर डेली इस्तेमाल करने हो तो सस्ती पड़ेगी. अदरवाइज अगर किसी को चलाने 40-50 किलोमीटर तो फाइनेंशियली स्पीकिंग तो ये आप समझ सकते हैं कॉस्ट कहाँ पर आ जाती है. जिस आदमी का प्लान है कि मैं इस गाड़ी को परमानेंट रखूँगा 15-20 साल तक, तो मेक्स नो सेंस. अच्छा, सरकार अभी क्या कहती है कि जो EVs हैं इनको अगर आपको रीरजिस्टर कराना है तो यू डोंट नीड एनीथिंग, लाइक उसका पॉल्यूशन नहीं कराना. आई अग्री, लेकिन भाई 8-10 साल के बाद चलेगी कैसे. अच्छा, अभी एक और आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि EV इज़ जस्ट इन द नेसेंट स्टेज. मतलब कि अभी बहुत चीज़ें आनी हैं, अभी इट्स एन इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी. आई कम्प्लीटली अग्री. आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट, आई एम नॉट एट ऑल नॉट सपोर्टिंग द EV टेक्नोलॉजी. आई एम सपोर्टिंग होल हार्टेडली. बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया है. लेकिन आई वॉन्ट स्वैपेबल बैटरी, कि आप पंप पे गए, उसने एक बैटरी खींच के निकाल ली और नई बैटरी प्री चार्ज हाथ के हाथ लगा दी. जैसे जितना टाइम एक पेट्रोल डीजल की टंकी भरने में लगता है ना, उतना. स्वैपेबल बैटरी जैसे बोलते हैं, हॉट स्वैपेबल. तो हॉट स्वैपेबल बैटरी अपने को चाहिए, ताकि आप जाओ कैसेट सी निकालो, दूसरी लगाओ एंड छुट्टी. ऐसा होना चाहिए. अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है. आई थिंक
आई एम गोइंग टू बाय दिस कार ऑल्सो सम हाउ, पैसा जोड़ना पड़ेगा अभी से, क्योंकि 14 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं होते लेकिन किसी किसी के लिए बहुत कुछ होते हैं। तो बस यही है, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस, इतनी बढ़िया स्पीड, इतनी बढ़िया रेंज, आई एम गागा ओवर दिस प्रोडक्ट, बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। एकदम साइलेंट, एकदम नो मेंटेनेंस, बहुत ही बेहतरीन। जस्ट दैट के बाकी सब बातें मैंने आपको बता दी, आप समझदार हैं। वीडियो कैसा लगा? थोड़ा सा अब मैं जो बात कहना चाहता था, मेरे पास यही एक माध्यम है, मैं किसी की भी बातें, आई डोंट वांट टू टॉक नेगेटिवली, सो आई हैव जस्ट स्पोकन पॉजिटिवली। ये अंदाज़ मेरा कैसा लगा आपको प्लीज़ बताइएगा। अच्छा लगा तो पता ना क्या करना है।